नमस्कार सभी को। निर्माण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम इस चैनल के माध्यम से राजनीति विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये जो हमारी राजनीति विज्ञान की कक्षाएं चल रही हैं, ये स्कूल लेक्चर के लिए चल रही हैं, साथ ही साथ कॉलेज लेक्चर और नेट JRF के लिए भी उपयोगी रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे विचारक। विचारक में हमारे चल रहे थे भारतीय विचारक। भारतीय विचारक में आज की क्लास में हम लेकर चलेंगे अरविंद घोष को। आज की क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे, लगभग घंटे भर की क्लास होगी और अरविंद घोष कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरविंद घोष के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। जीवन परिचय की हम बात करें तो जन्म की हम बात करें तो अरविंद घोष का जन्म हुआ 15 अगस्त 1872 को। स्थान की बात करें तो इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम है कृष्ण धन। और माता की बात करें तो माता का नाम है स्वर्णलता। माता का नाम है स्वर्णलता। पिता का नाम कृष्ण धन, माता का नाम सुमनलता। जन्म की बात करें 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता जगह पर। अरविंद को राष्ट्रवाद का महान उन्नायक कहा जाता है। राष्ट्रवाद का महान उन्नायक कहा जाता है। एक विद्वान रोमा रोला ने की बात करें तो रोमा रोला ने इन्हें भारतीय दार्शनिकों का सम्राट कहा है। भारतीय दार्शनिकों का सम्राट। भारतीय दार्शनिकों का सम्राट कहा है रोमा रोला ने। इसी के साथ रोमा रोला ने इनको एशिया व यूरोप की प्रतिभा का समन्वय भी कहा है। एशिया व यूरोप की प्रतिभा का समन्वय भी कहा है। तो रोमा रोला की बात करें तो रोमा रोला ने भारतीय दार्शनिकों का सम्राट, एशिया व यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहा है अरविंद घोष को। वैसे अरविंद घोष को कहा जाता है राष्ट्रवाद का महान उन्नायक। सर फ्रेडरिक के की बात करें तो उन्होंने कहा है हमारे युग का पैगंबर। हमारे युग का पैगंबर कहा है सर फ्रेडरिक स्पलजरबर्ग ने। सर फ्रेडरिक स्पलजरबर्ग की हम बात करें तो उन्होंने श्री अरविंद घोष को हमारे युग का पैगंबर कहा है। हमारे युग का पैगंबर कहा है। तो इसके तीन चार नाम हैं हमारे युग का पैगंबर कहने वाले। सर फ्रेडरिक स्पलजरबर्ग, रोमा रोला ने दो नाम दिए इसके, भारतीय दार्शनिकों का सम्राट, एशिया में यूरोप की प्रतिभा का समन्वय। वहीं इसको राष्ट्रवाद का महान उन्नायक भी कहा जाता है। इनकी शिक्षा की बात करें, अरविंद घोष की शिक्षा की हम बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती कॉन्वेंट स्कूल में। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल में संपादित हुई। उसके बाद में उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए ये 1879 की बात है, 1879 में उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए पहले मैनचेस्टर गए, मैनचेस्टर पढ़ाई की, फिर उसके बाद में लंदन के कुछ स्कूलों में पढ़ाई की। मैनचेस्टर के स्कूलों में और लंदन के स्कूलों में इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन्होंने कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से किया था। ग्रेजुएशन कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज
कैम्ब्रिज, यहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इनकी हम प्रारंभिक जीवन की बात करें तो प्रारंभ में क्रांतिकारी थे और गर्म दल से संबंधित थे। क्रांतिकारी विचारकों के विचारक थे, गर्म दल से संबंधित थे। जब ये लंदन में रह रहे थे, ब्रिटेन में रह रहे थे, तो इन्होंने डोग्रस और लोटस जैसी संस्थाओं से संबंध रखा। लोटस, डोग्रस जैसी क्रांतिकारी संस्थाओं से संबंध रखा, क्रांतिकारी संस्थाओं में जुड़े रहे, क्रांतिकारी गतिविधियों में इनका योगदान रहा था। इसी वजह से प्रारंभिक जीवन क्रांतिकारी था, गर्म दल से संबंधित थे। और ये जो लोटस डोग्रस है, इसको गुप्त समाज भी कहा जाता था, गुप्त समाज भी कहा जाता था। लोटस डोग्रस जो क्रांतिकारी संगठन थे, इनसे अरविंद जुड़े हुए थे, इनको गुप्त समाज भी कहा जाता था। ठीक है, इसके आगे हम बात करें। बात करें हम 1890 की, तो 1890 में अरविंद घोष जी ने ICS, वर्तमान में IAS है, इसको पहले ICS बोला जाता था, इस ICS परीक्षा को उत्तीर्ण किया। लेकिन इनमें एक इस परीक्षा में एक योग्यता और थी, घुड़सवारी की। घुड़सवारी में अरविंद घोष ने भाग नहीं लिया, इस वजह से इनका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था। एग्जाम क्लियर कर लिया था लेकिन घुड़सवारी में भाग नहीं लिया, इस वजह से इनका अंतिम चयन नहीं हो पाया। 1892 की बात करें तो 1892 में इन्होंने शास्त्रीय ट्रीपास उत्तीर्ण किया, शास्त्रीय ट्रीपास उत्तीर्ण किया। 1892 की बात है। 1893 की हम बात करें तो 1893 में भारत आ गए, मैनचेस्टर और जो लंदन गए थे वहां से लौटकर 1893 में भारत आ गए, 1879 में गए थे और 1893 में वापस आ गए। 1889 में बात करें तो उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था, ठीक है, और 1893 में भारत आ गए। 1893 से लेकर 1910 तक की हम बात करें, इस समय में इन्होंने वडोदरा में अध्यापन कार्य करवाया, वडोदरा में अध्यापन कार्य करवाया, यानी अध्यापक रहे 1893 से लेकर 1910 तक। इसी टाइम में 1908 में ये जेल भी गए थे, 1908 की हम बात करें तो 1908 में जेल गए। अनुशीलन समिति से संबंधित अलीपुर बम कांड के मामले में जेल गए थे, यानी ये जेल गए थे अलीपुर बम कांड के मामले में। बात है 1908 की, जेल गए थे। 1905 में जब बम भंग आंदोलन हुआ था उसमें भी अरविंद घोष ने भाग लिया था, तो 1905 के बम भंग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। 1910 में ये राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और 1910 में पांडिचेरी में एक आश्रम की स्थापना करते हैं जिसको कहा जाता है और विले आश्रम। पांडिचेरी में चले जाते हैं, 1910 की बात है, और 1910 में पांडिचेरी में जाकर एक आश्रम की स्थापना करते हैं, आर विले नामक आश्रम की स्थापना करते हैं। नामक आश्रम की स्थापना करते हैं और इनकी मृत्यु 1950 में होती है। तो अपनी मृत्यु तक 1910 से लेकर 1950 तक अपनी मृत्यु तक इसी आश्रम में जीवन व्यतीत करते हैं। पांडिचेरी में इन्होंने यह आश्रम स्थापित किया था और विले नामक आश्रम स्थापित किया था। हम बात करें इसमें राधा कृष्णन जी की और रविंद्रनाथ टैगोर की, जिन्होंने इनको कुछ उपाधियां दी थी, उसकी बात करें। राधा कृष्णन की बात करें तो राधा कृष्णन ने रविंद्रनाथ टैगोर को भारतीय विचारकों में सर्वोच्च भारतीय
विचारकों में सुयोग्यतम सुयोग्यतम व सर्वोत्कृष्ट बताएं। सुयोग्यतम व सर्वोत्कृष्ट भारतीय विचारकों में बताने वाले थे अरविंद घोष को राधाकृष्णन। टैगोर ने कहा कि भारत अरविंद के माध्यम से संसार को संदेश देगा। भारत अरविंद के माध्यम से संसार को संदेश देगा। लॉर्ड मिंटो की बात करें तो लॉर्ड मिंटो ने अरविंद को भारतीय का सबसे खतरनाक व्यक्ति बताया। लॉर्ड मिंटो ने कहा अरविंद भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति है, सबसे खतरनाक व्यक्ति है। अरविंद भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति है, यह कहने वाले लॉर्ड मिंटो हैं। हम इनकी बात करें तो प्रारंभिक जीवन में क्रांतिकारी थे। अरविंद घोष प्रारंभिक जीवन में क्रांतिकारी, मध्य जीवन में बन जाते हैं उग्र राष्ट्रवादी और अंतिम दिनों में बन जाते हैं आध्यात्मिकवादी। तो प्रारंभ में क्रांतिकारी विचारकों की समर्थक, गरम दल से संबंधित थे। मध्य जीवन में उग्र राष्ट्रवादी बन जाते हैं और अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये आध्यात्मिकवादी बन जाते हैं। ये हो गया अरविंद जी का जीवन परिचय। अब इनकी कुछ रचनाओं के बारे में हम चर्चा करें। अरविंद घोष जी की रचनाएं, तो इनकी एक रचना है द लाइफ डिवाइन, या हिंदी में इसको कहें तो दिव्य जीवन, द लाइफ डिवाइन या दिव्य जीवन। दूसरी इनकी पुस्तक की बात करें तो एक पुस्तक है इनकी द एसे ऑफ गीता, गीता पर निबंध, या द एसे ऑन गीता। द एसे ऑन गीता में अरविंद जी लिखते हैं, जेल में मुझसे ईश्वर मिले और उन्होंने मुझे गीता भेंट की तथा सनातन धर्म की शिक्षा दी। निश्चय ऐसे उन गीता में क्या लिखा अरविंद जी ने, जेल में मुझे ईश्वर मिले, ईश्वर ने मुझे गीता भेंट की तथा सनातन धर्म की शिक्षा दी। द गीता भेद में ये भी ऐसे उन गीता या गीता पर निबंध में इन्होंने कहा है, हिंसा के विरुद्ध हिंसा अपरिहार्य है, विरोधी राष्ट्र के विरुद्ध विद्रोह या शत्रु राष्ट्र के विरुद्ध विद्रोह, विरोधी या शत्रु राष्ट्र के विरुद्ध विद्रोह को इन्होंने धर्म युद्ध की संज्ञा दी है, धर्म युद्ध की संज्ञा दी है। तो द ऐसे उन गीता की बात करें तो इन्होंने हिंसा के विरुद्ध हिंसा को अपरिहार्य माना है इस पुस्तक में। विरोधी या शत्रु राष्ट्र के विरुद्ध विद्रोह को धर्म युद्ध की संज्ञा देते हैं। साथ में ये कहते हैं कि ईश्वर जेल में मेरे से मिले थे, गीता में उन्होंने भेंट की और सनातन धर्म की शिक्षा मुझे प्रदान की। इसके अलावा इनकी पुस्तकों की बात करें तो एक पुस्तक है सावित्री। ये सावित्री एक तरह से इनकी कविता है। सावित्री की बात करें तो सावित्री इनकी एक कविता है जिसमें इन्होंने सत्वान और सावित्री के बारे में वर्णन किया है। सावित्री इनकी कविता है और जिसमें सत्वान सावित्री के बारे में वर्णन किया है। और पुस्तकों की बात करें तो एक पुस्तक इनकी है
द सिंथेसिस योगा, द सिंथेसिस योगा, और हम बात करें तो द बेसिस ऑफ योगा, द बेसिस ऑफ योगा, द सिंथेसिस योगा, द बेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द ह्यूमन साइकिल। एक पुस्तक है इनकी न्यू लैंप फॉर ओल्ड, न्यू लैंप फॉर ओल्ड, न्यू लैंप फॉर ओल्ड, ये इनकी एक और पुस्तक है। न्यू लैंप ऑफ फॉर ओल्ड की हम बात करें तो न्यू लैंप फॉर ओल्ड में ये लोगों से संघर्ष का आह्वान करते हैं और ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष को ये धर्म युद्ध की संज्ञा प्रदान करते हैं। न्यू लैंप फॉर ओल्ड की बात करें तो यहाँ लोगों को संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं, लोगों को संघर्ष करने का आह्वान करते हैं, साथ में ब्रिटेन के विरुद्ध जो संघर्ष चल रहा था उसको ये धर्म युद्ध की संज्ञा देते हैं न्यू लैंप फॉर ओल्ड में। ठीक है, तो ये हो गई इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे द लाइफ डिवाइन, द एसे ऑन गीता, द सिंथेसिस योगा, द बेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, न्यू लैंप फॉर ओल्ड। इसके अलावा हम आइडियल ह्यूमन यूनिटी बता सकते हैं, और भी दो चार इसकी पुस्तकें हैं। तो ये हो गई अरविंद घोष की रचनाएं। रचनाओं के बाद में हम बात करें समाचार पत्रों की। समाचार पत्रों की हम बात करें तो इन्होंने पीसी पाल द्वारा प्रकाशित वंदे मातरम का संपादन किया था। पीसी पाल द्वारा प्रकाशित था वंदे मातरम, द्वारा प्रकाशित वंदे मातरम। इस वंदे मातरम के संपादन का कार्य अरविंद घोष जी ने किया। इसके अलावा इन्होंने दो साप्ताहिक समाचार पत्र निकाले, एक कर्मयोगी था एक धर्म था। कर्मयोगी और धर्म नामक दो साप्ताहिक समाचार पत्र निकाले। ये जो कर्मयोगी था ये अंग्रेजी भाषा में निकलता था, धर्म की बात करें तो ये धर्म बांग्ला भाषा में निकलता था। धर्म जो साप्ताहिक समाचार पत्र था बांग्ला भाषा में निकाला जाता था। कर्मयोगी समाचार पत्र की हम बात करें तो कर्मयोगी समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में निकाला जाता था। तो ये हुए इनके कुछ समाचार पत्र, कर्मयोगी, धर्म और वंदे मातरम का भी संपादन इन्होंने किया था, लेकिन वंदे मातरम का प्रकाशन पीसी पाल के द्वारा किया जाता था। ठीक है, अब हम इन राजनीतिक विचारों पर आते हैं। अरविंद के जो राजनीतिक विचार हैं उन पे चर्चा करते हैं। जीवन परिचय हो गया, रचनाएं हो गई, रचनाओं के साथ हमने समाचार पत्र भी देख लिए, रचनाओं में पुस्तक और समाचार पत्र दोनों देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक जीवन, और राजनीतिक जीवन में जितने भी टॉपिक हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं मैं इनके निष्क्रिय प्रतिरोध के संबंधी विचार के, निष्क्रिय प्रतिरोध संबंधी विचार। निष्क्रिय प्रतिरोध संबंधी विचार की हम बात करें तो ये एक तरह से ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध चुनौती का साधन था। यानी भारत में उस समय जो परतंत्र भारत था, परतंत्र भारत में ब्रिटिश का शासन था, उस ब्रिटिश शासन के विरोध करने का एक साधन था, विरोध करने का एक साधन था, या ब्रिटिश शासन को चुनौती देने का एक साधन था निष्क्रिय प्रतिरोध। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करें तो क्या था, ब्रिटिश शासन को चुनौती देने का शासन साधन, या ब्रिटिश शासन का विरोध करने का साधन। अरविंद जी भी अहिंसा की बात जरूर करते हैं, लेकिन गांधी जी की तरह पूर्ण अहिंसा पर बल नहीं देते हैं। अहिंसा का समर्थन इन्होंने भी किया है, जिस तरह गांधी जी ने अहिंसा का समर्थन किया है इसी तरह इन्होंने भी अहिंसा का समर्थन किया है।
लेकिन गांधी जी जहां पूर्ण अहिंसा की बात करते हैं, वहां अरविंद घोष पूर्ण अहिंसा की बात नहीं करते हैं। अरविंद घोष कहते हैं कि यदि सरकार निर्दयी हो जाती है, सरकार निर्दयी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सरकार के विरुद्ध हिंसा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, सरकार के विरुद्ध हिंसा की जा सकती है यदि सरकार निर्दयी हो जाए। हम बात करें निष्क्रिय प्रतिरोध संबंधी जो विचार हैं, इनमें किन किन सिद्धांतों का पालन किया जाता था, तो इनमें जिन सिद्धांतों का पालन किया जाता था, या हम कह सकते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध की विशेषताओं की बात करें, तो इनमें जिन जिन सिद्धांतों के पालन करते किया जाता था उसकी हम बात करें, तो स्वदेशी का तो प्रचार किया जाता था, स्वदेशी का प्रचार, व्या विदेशी का बहिष्कार, विदेशी का बहिष्कार, ठीक है। दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन, राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन, व अंग्रेजी सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, क्योंकि उसके समय जो सरकारी संस्थाएं थी वो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित थे, तो उनका बहिष्कार किया जाता था, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार। न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, बहिष्कार। इसके अलावा ऐसे लोग जो अंग्रेजों का सहयोग करते थे उनका सामाजिक बहिष्कार, अंग्रेजों का सहयोग करने वालों का सामाजिक बहिष्कार, अंग्रेजों का सहयोग करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार का असहयोग किया गया, पांचवा ब्रिटिश सरकार का असहयोग, असहयोग और छठी हम बात करें ऐसे समस्त कार्यों का त्याग किया गया जिसको, जिन कार्यों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को प्रशासन चलाने में सहायता मिलती थी। तो निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए उनकी हम बात करें, तो स्वदेशी का प्रसार प्रचार किया गया, विदेशी का बहिष्कार किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया गया व सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजों को का सहयोग करने वाले जो भारतीय व्यक्ति थे उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, ब्रिटिश सरकार का असहयोग किया गया, और ऐसे समस्त कार्यों का त्याग किया गया जिन कार्यों के वजह से ब्रिटिश सरकार को सहयोग मिलता, ठीक है। तो ये हो गया अरविंद जी का निष्क्रिय प्रतिरोध संबंधी विचार। नेक्स्ट हम इनके राजनीतिक विचार की बात करें, तो नेक्स्ट राजनीतिक विचार है अधिकारों के संबंधी विचारों की बात करें, अरविंद घोष के अधिकार संबंधी विचार। अधिकार संबंधों की बात करें तो अरविंद घोष ने व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार अनिवार्य माने हैं, व्यक्ति के विकास के लिए अधिकारों को अनिवार्य माना है। तीन अधिकारों की बात अरविंद घोष करता है, तीन अधिकारों की बात करता है, किस किस की उसकी हम बात करें, तो स्वतंत्र प्रेस व स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्र प्रेस व स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार। दूसरा अधिकार बताया इन्होंने स्वतंत्र सार्वजनिक सभा करने का अधिकार, करने का अधिकार। और थर्ड इन्होंने बताया संगठन बनाने का अधिकार,
संगठन बनाने का अधिकार। तो अरविंद घोष की बात करें तो अरविंद घोष ने तीन अधिकारों का समर्थन किया है या तीन अधिकारों की बात की है, स्वतंत्र प्रेस व स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्र सार्वजनिक सभा करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार। ये तीन अधिकार बताए हैं और इन अधिकारों को व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी घोषित किए हैं अरविंद घोष ने। नेक्स्ट हम बात करें स्वतंत्रता संबंधी विचारों की। स्वतंत्रता संबंधी अरविंद के विचार, तो व्यक्ति के विकास और राष्ट्र के विकास के लिए स्वतंत्रता पर बल दिया है अरविंद घोष ने। व्यक्ति के विकास साथ में राष्ट्र के विकास के लिए स्वतंत्रता पर बल दिया है और अरविंद घोष ने तीन प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। अधिकार भी तीन बताए हैं, स्वतंत्रता भी तीन बताई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है उनकी हम बात करें तो इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये तीन स्वतंत्रताएं बताई हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हम बात करें राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अरविंद घोष के अनुसार राष्ट्रीय स्वतंत्रता की हम बात करें तो विदेशी शासन से मुक्ति ही क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। विदेशी शासन से मुक्ति या विदेशी नियंत्रण से मुक्ति, विदेशी शासन से या विदेशी नियंत्रण से मुक्ति को क्या कहा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। नेक्स्ट हम बात करें आंतरिक स्वतंत्रता की, तो आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब है किसी वर्ग या वर्ग समुदाय के नियंत्रण से मुक्ति, वर्ग समुदाय के नियंत्रण से मुक्ति क्या है, आंतरिक स्वतंत्रता, और इसके द्वारा स्वशासन की प्राप्ति। वर्ग या वर्ग समुदाय के नियंत्रण से मुक्ति और स्वशासन की प्राप्ति। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नियंत्रण में रहे, यानी स्वशासन की स्थापना हो और व्यक्ति पर अनावश्यक नियंत्रण ना रहे किसी का भी। तो व्यक्तिगत यानी प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होना ही क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है और राष्ट्रीय चेतना से राष्ट्र का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है। ठीक है, तो इस तरह तीन प्रकार की स्वतंत्रता की बात की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता इसका मतलब है कि विदेशी नियंत्रण या विदेशी शासन से पूर्ण तरह मुक्ति। आंतरिक स्वतंत्रता इसका मतलब है कि वर्ग या वर्ग समुदाय के नियंत्रण से मुक्ति। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है स्वशासन यानी व्यक्ति पर खुद का नियंत्रण, और व्यक्ति पर खुद के नियंत्रण या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से व्यक्ति में चेतना का विकास होता है, व्यक्ति की चेतना से राष्ट्र चेतना का विकास होता है और राष्ट्र चेतना के विकास से राष्ट्र का विकास होता है। तो इस तरह स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है। और वहीं अधिकारों की बात इन्होंने की थी, अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गए स्वतंत्रता संबंधी विचार। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रवाद के संबंधित जो विचार है उनकी। राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की बात करें,
राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की हम बात करें तो अरविंद घोष जी की एक पुस्तक है लोटस टेंपल, लोटस टेंपल। इस लोटस टेंपल में अरविंद घोष जी ने राष्ट्रवाद के संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। राष्ट्रवाद की बात करें तो इनके अनुसार राष्ट्रवाद कोई राजनीतिक तत्व नहीं है। अरविंद घोष जी के अनुसार बात करें तो राष्ट्रवाद कोई राजनीतिक तत्व नहीं है, जिस तरह सामान्यतः विचारकों के द्वारा माना जाता है उस तरह अरविंद के अनुसार राजनीतिक तत्व नहीं है। तो फिर अरविंद के अनुसार क्या है उसकी बात करें तो अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद दैवी तत्व है, दैवी तत्व है, भवानी माता है, भारत माता है, भवानी माता या भारत माता है। अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद का मतलब है कि राष्ट्र में दैवी तत्व का निवास है, यानी उन्होंने राष्ट्र में किसका निवास कर दिया, दैवीय तत्व का निवास किया है। राष्ट्रवाद को जीती जागती देवी की प्रतिमा, जीती जागती देवी माना है, जीती जागती देवी माना है, जिसके लिए इन्होंने कहा है भवानी माता या साक्षात भारत माता। इन्होंने कहा है अगर राष्ट्रवाद के लिए किया गया कोई भी बलिदान किसी कुर्बानी से कम नहीं होता है, राष्ट्रवाद के लिए किया गया कोई बलिदान किसी भी कुर्बानी से कम नहीं होता है। इनका जो राष्ट्रवाद है वो आध्यात्मिक है। अरविंद घोष जी का जो राष्ट्रवाद है वो राजनीतिक तत्व ना होकर क्या है, आध्यात्मिक है, धार्मिक है, एक विश्वास है, एक आस्था है, एक विश्वास है, एक आस्था है। अरविंद घोष जी के अनुसार राष्ट्रवाद कोई राजनीतिक तत्व ना होकर एक दैवी तत्व है, भवानी माता है, भारत माता है, जीती जागती देवी है, आध्यात्मिक है, धार्मिक है, एक विश्वास है, एक आस्था है। और राष्ट्रवाद के लिए किया गया कोई भी बलिदान किसी भी कुर्बानी से कम नहीं होता है, ऐसे कहते हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष राष्ट्रवाद के संबंध में कहते हैं कि भारत माता के पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हैं या विदेशी शासन से मुक्ति भारत माता के प्रत्येक संतान का कर्तव्य है। क्या कहते हैं कि भारत माता के पांव में जो बेड़ियां पड़ी हैं उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाना प्रत्येक भारत माता की संतान का कर्तव्य है। यही इनके राष्ट्रवाद का एक मूल मंत्र था। इन्होंने राष्ट्रवाद को कोई खुद ये कहते हैं 1908 में भाषण देते समय, 1908 की बात है, 1908 में इन्होंने अपने भाषण में कहा कि राष्ट्रवाद कोई कोरा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, राष्ट्रवाद तो ईश्वर की देन है। राष्ट्रवाद कोई कोरा राजनीतिक कार्यक्रम ना होकर राष्ट्रवाद किसकी देन है, राष्ट्रवाद तो ईश्वर की देन है। बात करें 1907 की तो 1907 में वंदे मातरम में इन्होंने लिखा था, वंदे मातरम जो इनका समाचार पत्र था, उस वंदे मातरम में इन्होंने लिखा अगर राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र की दैवी एकता प्राप्त करने की एक भावनात्मक अभिप्रेरणा है। क्या कहा कि राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र की दैवी एकता प्राप्त करने की एक भावनात्मक प्रेरणा है। और 1908 में लिखा कि 1908 में उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा, यह तो 1907 की बात है, वंदे मातरम में लिखा था, और 1908 में उन्होंने कहा अगर राष्ट्रवाद कोई कोरा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह ईश्वर की देन है। यानी इन्होंने राष्ट्रवाद को क्या माना है, ईश्वर की देन माना है, ईश्वर की देन माना है। इन्होंने राष्ट्रवाद को पूर्ण स्वराज्य माना है, पूर्ण स्वराज्य माना है। साथ में ये भी कहते हैं कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति ईश्वर में विश्वास रखने से ही हो सकती है। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कैसे होगी, ईश्वर में विश्वास, ठीक है। तो ये हो गए इनके राष्ट्रवादी
संबंधी विचार। यानी राष्ट्रवाद का मतलब इन्होंने भारत के लिए लिया है, भारत को इन्होंने भारत माता भवानी माता कहा है, यानी एक तरह से देवी देवी की जाति जीती जागती देवी माना है भारत को। यानी इनका राष्ट्रवाद है वो आध्यात्मिक है, धार्मिक है, एक विश्वास कह सकते हैं, एक आस्था कह सकते हैं, है ना। इनका राष्ट्रवाद का जो मूल मंत्र था वो ये था कि भारत माता को, भारत माता के पैरों में जो बेड़ियां पड़ी हैं उन बेड़ियों से मुक्त कराना प्रत्येक संतान का कर्तव्य होना चाहिए। राष्ट्रवाद को एक कोरा राजनीतिक कार्यक्रम ना मानकर ईश्वर की देन मानते हैं। 1907 में ये इनका जो पत्र था वंदे मातरम, उसमें लिखा कि राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र को, किसी भी राष्ट्र के अंगों की देवी एकता प्राप्त करने की एक भावनात्मक अभी प्रेरणा है। ठीक है, तो ये हो गए इनके राष्ट्रवादी संबंधी विचार। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य संबंधी विचारों के। राज्य संबंधी विचार, तो हम राज्य संबंधी विचारों की बात करें तो अरविंद घोष राज को एक ऐसा यंत्र मानते हैं, एक ऐसा यंत्र मानते हैं जिसके द्वारा मानव मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। मानव मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अरविंद घोष के अनुसार राज्य क्या है? एक यंत्र है, ऐसा यंत्र जिसके द्वारा मानव मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इनकी जो राष्ट्र संबंधी अवधारणा है वो विकासवादी अवधारणा है। राष्ट्र संबंधी धारणा कैसी है? विकासवादी धारणा है। इन्होंने लोक कल्याणकारी समाजवादी राष्ट्र का समर्थन किया है। लोक कल्याण कारी समाजवादी राष्ट्र का समर्थन अरविंद घोष ने किया है। तो अरविंद घोष ने राज को एक यंत्र माना है, ऐसा यंत्र जिसके द्वारा मानव मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। राष्ट्रवाद राष्ट्र की विकासवादी अवधारणा दी है, राष्ट्र की विकासवादी अवधारणा दी है। लोक कल्याणकारी समाजवादी राष्ट्र का समर्थन इन्होंने किया है। तो ये हुए इनके राज्य संबंधी विचार। नेक्स्ट हम बात करें स्वाधीनता संबंधी विचारों की। स्वाधीनता या स्वशासन दोनों ही एक ही शब्द है। स्वाधीनता या स्वशासन संबंधी विचारों की हम बात करें तो स्वाधीनता के बारे में अरविंद घोष जी कहते हैं, जिस तरह व्यक्ति के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यकता है, उसी तरह राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की पूर्णता के लिए स्वशासन की आवश्यकता है। क्या कहते हैं अरविंद घोष जी? व्यक्ति के विकास के लिए, जिस तरह व्यक्ति के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। तो उसी तरह राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की पूर्णता के लिए किसकी आवश्यकता है? स्वशासन या स्वाधीनता की। साथ में ये भी कहते हैं विदेशी शासन के अंतर्गत कुछ ही वर्गों का विकास होता है। जो विदेशी शासन है उसके अंतर्गत कुछ ही वर्गों का विकास होता है, जबकि अधिकांश वर्ग क्या हो जाते हैं? पिछड़ जाते हैं। विकास होता है जबकि अधिकांश वर्ग हैं पिछड़ जाते हैं, जबकि जो स्वशासन होता है उस स्वशासन में सभी वर्गों का विकास होता है। स्वशासन में क्या होता है? स्वशासन में इनके अनुसार सभी वर्गों का विकास होता है। यहाँ ये एग्जाम्पल भी देते हैं, उदाहरण भी देते हैं।
सभी वर्गों का विकास होता है और उसके एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। अब जिस तरह शिवाजी के स्वशासन में मराठों का विकास हुआ, जिस तरह गुरु गोविंद के स्वशासन में सिखों का विरोध विकास हुआ था, तो सिखों का और मराठों का सभी वर्गों का विकास हुआ था, किसी एक वर्ग विशेष का नहीं हुआ था। लेकिन स्वशासन में एक ही वर्ग का विकास होता है, बाकी अन्य अधिकांश वर्ग क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। इन्होंने जो लोक सेवाएं हैं, इन लोक सेवाओं का लोक सेवाओं को विदेशी स्वरूप की कहा है, विदेशी स्वरूप लोक सेवाओं का स्वरूप विदेशी है, विदेशी स्वरूप का कहा है। साथ में इन्होंने विदेशी शासन को या ब्रिटिश शासन को स्वशासन का विरोधी बताया है, ब्रिटिश शासन या विदेशी शासन को स्वशासन का विरोधी बताया है। तो ये हुए इनके स्वाधीनता या स्वशासन संबंधी विचार। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री अरविंद जी के 5 सपनों के बारे में बात करें। अरविंद घोष जी के 5 सपन। पहला सपन था इनका एक ऐसा आंदोलन हो जो स्वतंत्र व संगठित भारत बनाए। पहला सपन था इनका एक ऐसा आंदोलन हो जो स्वतंत्र व संगठित भारत का निर्माण करें। एक ऐसा आंदोलन हो जो संगठित व स्वतंत्र भारत का निर्माण करे। दूसरा इनका सपना था एशिया के लोग स्वतंत्र होकर उभरे, एशिया के लोग स्वतंत्र होकर उभरे। एशिया के लोग स्वतंत्र होकर उभरे तथा भारत मानवीय सभ्यता की प्रगति में अपनी भूमिका निभाए, सभ्यता की प्रगति में अपनी भूमिका निभाए। मानवीय सभ्यता की प्रगति में अपनी भूमिका निभाई। तीसरा इनका सपन था एक मानव जाति के लिए एक न्याय संगत उज्ज्वल वह उत्कृष्टता पर आधारित विश्व संघ का निर्माण, आधारित विश्व संघ का निर्माण हो। नेक्स्ट सपन क्या था कि मानव जाति के लिए एक न्याय संगत उज्ज्वल वह उत्कृष्टता पर आधारित विश्व संघ का निर्माण हो। नेक्स्ट सपन की बात करें तो नेक्स्ट सपन था इनका चौथा सपन था संसार को भारत का आध्यात्मिक
उपहार प्राप्त हो। नेक्स्ट है, संसार को भारत का आध्यात्मिक उपहार प्राप्त हो। पांचवें सोपान की बात करें तो पांचवा सोपान था विकास के एक नए चरण की शुरुआत हो। विकास के एक नए चरण की शुरुआत हो जिससे व्यक्ति में उच्चतर नैतिकता का विकास हो। नैतिकता का विकास। तो ये थे इनके पांच सवाल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्होंने एक विश्व संघ की अवधारणा दी थी, उस विश्व संघ की अवधारणा के बारे में भी चर्चा करते हैं। विश्व संघ की अवधारणा, अरविंद घोष जी की विश्व संघ अवधारणा की हम बात करें तो अरविंद घोष मूलतः था मानवतावादी विचारक था, मानवतावादी विचारक था। कैसा विचारक था? मानवतावादी विचारक था। मानवतावादी विचारक होने के कारण इन्होंने मानव सभ्यता के विकास और अंतर्राष्ट्रीयता पर बल दिया है। मानवतावादी विचारक होने के कारण मानवीय एकता, मानवीय सभ्यता के विकास, अंतर्राष्ट्रीयता पर बल दिया है और अंतर्राष्ट्रीय बलता पर बल देने की वजह से ही इन्होंने विश्व संघ की अवधारणा दी है। इन्होंने विश्व संघ की अवधारणा के बारे में कहा है कि संपूर्ण विश्व के राष्ट्र मिलकर एक विश्व संघ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसकी योजना भी इन्होंने दी है। सबसे पहले सभी राष्ट्र अपने आप को संगठित करेंगे, यानी सबसे पहला कार्य तो क्या होगा, सभी राष्ट्र संगठित होंगे, सभी राष्ट्र संगठित होंगे। संगठित होने के बाद में, संगठित होने के बाद में सभी राष्ट्र आपसी मतभेद व मन मुटाव को मिटाएंगे, आपसी मतभेद को व मन मुटाव को समाप्त करेंगे, मन मुटाव को समाप्त करेंगे और मन मुटाव को समाप्त कर कर विश्व संघ की स्थापना करेंगे, विश्व संघ की स्थापना करेंगे। यह हो गई इनकी विश्व संघ की अवधारणा, ठीक है। तो मानवतावादी विचारक हो गए, सभी राष्ट्र विश्व संघ की अवधारणा दी। विश्व संघ कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो सभी राष्ट्र संगठित होंगे, संगठित होने के बाद सभी राष्ट्र आपसी मतभेद को मिटाएंगे और आपसी मतभेद को मिटाकर फिर एक विश्व संघ या विश्व सरकार की स्थापना करेंगे, ठीक है। कुछ तथ्यों की ओर बात कर लेते हैं, अब अरविंद जी से जो संबंधित कुछ तथ्य बच गए हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, उनकी बात करें तो अरविंद जी ने व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए परिवार, समुदाय व राष्ट्र को जरूरी माना है, समुदाय व राष्ट्र की आवश्यकता पर बल दिया है। यानी व्यक्ति के विकास के लिए परिवार, समुदाय व राष्ट्र की आवश्यकता पर बल दिया है। पश्चिमी देशों की जो स्वतंत्रता थी उसको अपूर्ण माना है, पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता को अरविंद जी ने अपूर्ण माना है। स्वशासन पर इन्होंने बल दिया है, स्वशासन पर बल दिया है। नव वेदांतवादी के समर्थक थे,
नव वेदांत वाद पर बल दिया है, नरम पंथियों की इन्होंने आलोचना की है, नरम पंथियों की अरविंद घोष जी ने आलोचना की है, ठीक है। इसी के साथ अरविंद घोष का टॉपिक कंप्लीट, और टॉपिक कंप्लीट होने पर हम क्लास को भी आज की क्लास को विराम देते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई क्लास आए उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।